वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली डेकोर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के हलवे की रेसिपी। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियां हो तो एक बार तो गाजर का हलवा बनना ही चाहिए। तो आज मैं आपके साथ करूंगी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 किलो गाजर। इसमें यहाँ पर मैंने लिए है 1 किलो गाजर, जिसको मैंने वॉश करके इसको खुरप लिया था। तो ये 1 किलो गाजर है। ये 1 लीटर हाई फैट मिल्क है। जितना हाई फैट मिल्क होगा उतना आपका गाजर का हलवा अच्छा बनेगा, क्योंकि हम इसमें खलाखन नहीं डालेंगे, दूध से ही पकाएंगे। तो इस वजह से जितना हाई फैट मिल्क होगा उतना अच्छा आपका गाजर का हलवा बनेगा। और यहाँ पर है फ्रेश क्रीम, ये 250 ml क्रीम है। तो ये भी हम दूध के साथ ही डालेंगे ताकि खलाखन वो खुद से बन जाए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप शुगर, 3 टेबलस्पून घी, इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान। इलायची पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप, मैंने 2 चुटकी लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़ाफ़रान से कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो ज़ाफ़रान। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बादाम और पिस्ता। तो अब शुरू करते हैं आगे की रेसिपी। हाँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपना घी। ये घी 3 टेबलस्पून है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम ज़्यादा। तो सबसे पहले हम घी डालते हैं। इसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर को पहले हम घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। गाजर को हम जब तक भूनेंगे जब तक गाजर का थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए, तो तब तक आपको गाजरों को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर अब 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया। तो 10 मिनट से ये भून रहे हैं तो अच्छी तरह अब ये भुन गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं घी भी थोड़ा सर्विस पे आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी दूध। दूध हम देखेंगे कि कितना इस पे लगेगा, ज़रूरी नहीं है आप पूरा 1 लीटर डालें, क्योंकि खलाखन बनाना है। तो फिर इस वजह से मैंने ज़्यादा लिया, तो पहले मैं इसमें आधा डालूंगी, फिर इसमें मैं डालूंगी क्रीम। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे और पकाते वक्त आप ध्यान रखें कि साइडों का हमेशा इसको क्लियर करते रहें ताकि फिर वो जलना ना शुरू हो जाए। तो अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पूरी तरह ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर ये 10 मिनट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध काफ़ी जो है ना सूख गया है, अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1.5 कप, तो क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा ही पसंद करते हैं तो इसलिए ज़रा ज़्यादा चीनी डाली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान। शुगर डालने के बाद में फिर से ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, तो फिर अब इसको हम दोबारा से अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह सूख के कलर अच्छा ना आ जाए। 15 मिनट, तो 15 मिनट से ये मैंने इसको पकाया। तो अब तकरीबन ये पक चुका है, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घी भी छूटने लगा है साइडों से, तो ऑलमोस्ट ये रेडी है। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के वास्ते उसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर डिश आउट कर दूँगी। तो ये थी आज की रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। यहाँ पर आपका हलवा रेडी हो गया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी बेस्ट रेसिपी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने ट्राई किया है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर पिक्चर शेयर करें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ये वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके, बाय।